वेलकम टू कविताज प्लेट फ्रेंड्स। आज हम बना रहे हैं एक बहुत ही हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस स्मूदी, जो अगर आप अपने ब्रेकफास्ट में रिप्लेस करेंगे तो आपको 101% वेट लॉस मिलेगा। तो ये है ओट्स स्मूदी। इट्स अ कंप्लीट मील विद ऑल द न्यूट्रिएंट्स एंड इट कीप्स यू फुल फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ओट्स स्मूदी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये हाफ कप रोल्ड ओट्स लिए हैं। मैंने ये ओल्ड फैशन रोल्ड ओट्स लिए हैं। आप जो मार्केट में ओट्स का पैकेट मिलता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हम हाफ कप ओट्स को पहले पानी में डिप कर देंगे। इसके दो तरीके होते हैं, आप इसे ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं 2-3 मिनट तक, और या फिर आप इसे पानी में डिप करके 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें फिर यूज़ करें, क्योंकि ओट्स में फैटिक एसिड होता है जिससे कि डाइजेशन में कई बार प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए हम इसको इस तरह से यूज़ करेंगे। तो मैं ये ओट्स को पानी में डिप कर दूंगी और इसे हम 15-20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ओट्स आर इनक्रेडिबली न्यूट्रिशियस। दे आर ग्लूटन फ्री एंड रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स एंड फाइबर, और ये शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं और हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं। और इसमें मैं ऐड करूँगी कुछ नट्स, जिसमें मैंने लिए हैं ये 5 बादाम और 1 अखरोट, और ये 4 तरह के मगज, जिसमें कि मेलन सीड्स हैं, वाटरमेलन सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं और पम्पकिन सीड्स हैं। तो ये मैंने 1 टीस्पून लिए हैं, और लेंगे 1/2 टीस्पून फ्लैक्स सीड्स और 1/2 टीस्पून चिया सीड्स। इनको हमें ओवरनाइट पानी में डिप करके रखना है। दीज नट्स एंड सीड्स कंटेन्स लॉट्स ऑफ हेल्दी फैट, फाइबर, प्रोटीन, मैग्नीशियम, विटामिन ई, एंड दे लोअर ब्लड शुगर लेवल एंड दे गिव वेट लॉस। इस स्मूदी में एक फ्रूट जाएगा, तो आप कोई सा भी ले सकते हैं, एक बनाना ले सकते हैं, एप्पल, पियर, कुछ भी ले सकते हैं। तो मैंने आज ये एक एप्पल काट के लिया है। तो हम एक मिक्सी का जार लेंगे और इसमें ये एप्पल डालेंगे। स्वीटनेस के लिए मैं इसमें डेट यूज़ कर रही हूँ। आप इसमें जैगरी, हनी, किशमिश, मेपल सिरप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून सिनेमन पाउडर, यानी कि दालचीनी का पाउडर। सिनेमन हैज़ एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल एंड एंटीफंगल प्रॉपर्टीज, और ये वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है। बट कई लोगों को जैसे दालचीनी का पाउडर थोड़ा कम सूट करता है, तो वो इसे स्किप भी कर सकते हैं। चिया सीड्स भीगने के बाद थोड़े ऐसे जेल फॉर्म में हो जाएंगे, तो हमें इसे इसी तरह से बिना छाने हुए पानी के साथ ही इसमें डाल देना है। और इसमें मैं ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून कोकोनट, यानी कि नारियल। ये मैंने नारियल को छील के उसका छिलका उतार के और छोटा काट के ले लिया है, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। कोकोनट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ फाइबर, इट हैज़ एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज एंड इट हेल्प्स यू इन वेट लॉस एंड डाइजेशन। ये जो फ्लैक्स सीड्स को हमने पानी में सोक किया था, इसको पानी के साथ ही इसमें ऐड कर देंगे। और ये जो हमने सीड्स को ओवरनाइट सोक करके लिया था, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। और इसमें जाएंगे ये बादाम जो हमने रात को सोक करके लिए थे, इनको मैंने छील के ले लिया है। इन सब में मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी, लगभग 2-3 टेबलस्पून, और इसको ब्लेंड करके हम एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। ये ओट्स को जो हमने पानी में सोक करके रखा था, इसको ड्रेन कर लेंगे। ये ओट्स हम ये जार में ऐड कर देंगे, और इसमें जाएगा 3/4 कप दूध। दूध आपको स्किम मिल्क लेना है, यानी कि टोंड मिल्क या फिर गाय का दूध, क्योंकि हम ये वेट लॉस स्मूदी बना रहे हैं, इसलिए आपको फुल क्रीम दूध नहीं लेना। इसको ब्लेंड कर लेंगे। हमारी हेल्दी स्मूदी बनके तैयार है, चलिए इसे सर्व करते हैं। मैंने ये ठंडा दूध लिया है, आप चाहें तो रूम टेम्परेचर का दूध भी ले सकते हैं। स्मूदी को थोड़ा सा क्रंच देने के लिए मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ रोस्टेड फ्लैक्स सीड्स, थोड़े से रोस्टेड पम्पकिन सीड्स और थोड़े से रोस्टेड आलमंड फ्लेक, यानी कि बादाम कटे हुए। आप इस स्मूदी को ब्रेकफास्ट में या डिनर में कभी भी ले सकते हैं, ये आपको पक्का से वेट लॉस देगी। बस डिनर में अगर आप ले रहे हैं तो इसमें नट्स अवॉइड कर दें। तो लीजिए दोस्तों, कविताज प्लेट रेडी है बहुत ही हेल्दी और एक बहुत अच्छा वेट लॉस देने वाली ओट स्मूदी के साथ। इसे बनाइए, सबको पिलाइए और सबसे वाह वाह पाइए।